पे डिनर स्टार्ट हो चुकी है, बटन पे लिंक कर दूंगी उसके साथ में। बैठे हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रस्म होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे पार्ट टू व्लॉग में निकाह के। तो यहाँ पे खालू जान आ चुके थे एंड सब उनको सलाम कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे सारी बाराती की एंट्री हो गई थी। ये वाला पार्ट ना मैं फर्स्ट व्लॉग में डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चलिए अब आप लोग आगे का व्लॉग इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अभी निकाह हो रहा है एंड मैं लाइव बैठ के देख रही हूँ। नीचे का सारा माहौल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टाइप से मैं अभी देख रही हूँ, निकाह होने वाला है। मैं उस इंतज़ार में हूँ कि निकाह हो, सब गला मिले एंड मैं वो वाला क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मुस्लिम में निकाह कैसे होता है। सो मुस्लिम में ना निकाह होता जो है, सबसे पहले जो लड़की होती है ना उससे निकाह कबूला जाता है। मतलब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाया होगा कि मेरी खाला का निकाह हुआ था एंड सेकेंड पार्ट में मेरे खालू जान का निकाह हुआ था। तो ये मैंने सेकेंड पार्ट में डाला एंड वो वाला मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला। तो पहले लड़की की रजामंदी चाहिए होती है, उसके बाद लड़का से पूछा जाता है। तो इस तरीके से मुस्लिम्स में निकाह होता है एंड माशाल्लाह निकाह हो गया था। यहाँ पे हम लोग एकदम मस्त एंजॉय करते हुए, पीछे बन रहा है सीख कबाब, सीख कबाब एंड यहाँ पे हम लोग खा भी रहे हैं सीख कबाब। श्रीपी सीख कबाब खा रहे हैं, चिकन रोस्ट खा रहे हैं, उसके बाद क्या खा रहे हैं, एक और चिकन टिक्का खा रहे हैं, चिकन टिक्का खा रहे हैं। मेरा लाइव भी चल रहा है एंड साथ ही साथ में ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। बहुत यम्मी है। ना यहाँ पे खाने लग गए हैं हम लोग गोलगप्पा एंड गोलगप्पे में भीड़ देखे, मतलब लग रहा है कि हाँ हम लोग देसी लोग हैं, हमें गोलगप्पा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी हम लोग गोलगप्पा टेस्ट करेंगे। वैसे मैंने एक टेस्ट किया है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी अच्छा लग रहा है मुझे एंड यहाँ पे ये खड़ी हुई है ये लेके, मैं इसी के प्लेट में से खाने वाली हूँ। मैं अलग से नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरा मोबाइल है, एक हाथ से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मुझे ये खिला देगी। ये दीजिए, अब भी खिला दो मेरे। यहाँ पे सारे डिनर्स का अरेंजमेंट हो रहा था। डिनर में जितनी भी डिशेस थी वो यहीं पे बन रही थी, तो मैंने ये भी आप लोगों से शेयर कर लिया। दोनों मैं ऊपर जा रही हूँ, आंटी को तैयार करना है, निकाह हो चुका है। निकाह होने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि हमें खाना था, हमें बहुत जोर की भूख लगी थी। हाँ। मैं आंटी को तैयार करने जा रही हूँ। मैं बैठ के कर रही हूँ मोबाइल को चार्ज एंड चांदी ने मुझे लाके दिया है ये आइसक्रीम, हाउ स्वीट। मैं इसे इंजॉय करूँगी, ये वनीला नहीं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। मैं इसे बैठ के इंजॉय करूँगी क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या मुझे कुछ खाने को भी मिल गया, मैं बैठ के मोबाइल भी अच्छे से इंजॉय कर सकती हूँ। माशाल्लाह निकाह हो चुका था, उसके बाद डिनर स्टार्ट होता है निकाह के बाद। तो यहाँ पे डिनर स्टार्ट हो चुका था, आउटडोर में सारी लेडीज़ का अरेंजमेंट था एंड इनडोर में सारे मेंस का अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ जो थी वो डिनर करना स्टार्ट कर चुकी थी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अपना लुक शेयर करती हूँ। मैंने ये ब्यूटीफुल सी ऑर्गेन्जा साड़ी पहनी थी जो मैंने पटना से लिया था। आप लोग चाहे तो वो वाला व्लॉग भी देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी। उसके साथ मैंने ये बिग बिग से इयररिंग्स पेयर किए थे एंड वाइट चूड़ियाँ पेयर की थी। आपको अपने नेबर से
आ गया है दुल्हन का ड्रेस, नीचे से ये ग्रीन कलर का एंड रेड कलर का प्यारा सा किन खा पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड दोनों दुल्हनें खाना खा रही हैं, अब मैं इन्हें रेडी करूँगी एंड वो किसी से बात कर रही हैं। एंड हम तीनों यहाँ पे भूखे प्यासे भूखे पेट बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में कि ये लोग खाना खा लेंगे तो इनको तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलता है इतना। एंड अभी तैयार करेंगे तो आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करेंगे और बाकी सब जैसे जैसे सारे फंक्शंस होते जाएंगे वो सब करेंगे। पहले निकाह होता है, निकाह के बाद नथ पहनाया जाता है, नथ पहनाने के बाद ड्रेस आता है, नीचे से ज्वेलरी आती है, मेकअप आता है, जो भी ससुराल की तरफ से होता है वो सब आता है। उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें वेयर करनी होती है। देन तख्त पर दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, साथ में फिर मुँह दिखाई होती है, बहुत सारी रस्में होती है। नेक्स्ट उसके बाद विदाई होती है, तो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई नो मैं एंड उस पर सब रोते भी बहुत है, दुल्हन एंड दुल्हन की फैमिली सब, हर कोई मेंबर फैमिली मेंबर सब रोते हैं। यहाँ पे मेरी नई नई ममानी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, मैं उनका कदर करते हुए कि हाँ ये चीज़ होती है, तो ये सब हो रहा है। एंड मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाला शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इतना रश है कि सब कोई काम में ही लगे पड़े हैं एंड मुझे इतनी हैवी साड़ी उठाने में एंड इतना हैवी बिग एयरिंग उठाने में ना बड़ी मुश्किल हो रही है। बट कोई नहीं, करेंगे फैशन के लिए कुछ भी करेंगे एंड खूबसूरती के लिए कुछ भी करेंगे। आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट में मैं कैसी लग रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। छोटी खाला को मैंने कर दिया था रेडी, उसके बाद हम सब आ गए थे डिनर करने के लिए क्योंकि ऊपर खालू जान को जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा कि उस बीच में हम लोग डिनर कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए एंड हमने अच्छा खासा डिनर कर लिया एंड अपना टमी फुल कर लिया। हम लोग डिनर कर चुके थे, उसके बाद यहाँ पे खालू जान का डिनर हो रहा था एंड यूसुफ और रुशान उनका हाथ धुला रहा था। तो हाथ धुलाना एक रस्म होता है जिसमें पैसा वसूला जाता है, तो वो यहाँ पे चल रहा था एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हम लोग ऊपर में बैठ के इसे इंजॉय कर रहे थे प्रोजेक्टर पे। संदला पी कितना कमाएंगे? एजेंट लग रही है इसको। अब लो पैसा, अब ले लो। तब तो आंटी उधर खड़ी है। खाने नंबर का क्योंकि आप गुजर बोले थे ना कल जेब गरम करके लेगा। गरम है, गरम जेब से निकल के पैसा कहाँ है? ले लो लो, ज़्यादा लोकेशन हो गया। पहले अरे जाने दो, कहा है तुमने? बात हो गया उतना गिन के, मतलब कुछ लोग पुराने गिन के। वेलकम। हमें मिल गया था नारा लगाई का पैसा, उसके बाद हम लोगों ने खालू जान को इंट्री दे दी एंड वो यहाँ पे बैठ गए तख्त पे। नेक्स्ट रस्म जो थी ना वो थी जूता चुराई, तो सबसे पहली फुर्सत में ना मैंने यहाँ पे उनका जूता निकाला एंड उसके बाद जूता लेके हम लोग निकल गए बाहर। नेक्स्ट यहाँ पे रस्म होती है शरबत पिलाने की, तो यहाँ पे शरबत निकाल रही थी शीरियप्पी एंड मैं ग्लास पकड़ के खड़ी हुई थी। पहले वाले पार्ट में आपने देखा होगा कि ये ग्लास मेरे हाथ में था, ये ग्लास तस्वी ने बनाया है, वो बहुत अच्छा बनाती है एंड निकाह का पेन भी उसने बनाया था। तो मैं और शीरियप्पी, मैंने लिया यहाँ पर शरबत एंड शीरियप्पी ने लिया यहाँ पर वरमाला एंड हम दोनों फिर निकल गए।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वरमाला की रस्म होने लग गई थी। वैसे तो हमारे मुस्लिम्स फैमिली में वरमाला नहीं होता है, बट फॉर इंटरटेनमेंट हमने ये वाला रस्म रखा था एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे दोनों, माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे इन दोनों को एंड ऐसे ही खुश रहें हमेशा। यहाँ पे अब सब कोई सलामी दे रहा था, दूल्हा और दुल्हन को सलामी दिया जाता है तख्त पे, तो वही यहाँ पे सब दे रहे थे। उसके बाद मेरा क्यूटी पाई, सबका क्यूटी पाई, सबके दिल का राजा आ गया था अपने फूफा से मिलने के लिए एंड उसने अपने फूफा को ये प्यारा सा हैम्पर दिया चॉकलेट का एंड ये बच्चा ना नींद में था क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस दिन। यहाँ पे रस्म हो रही है मुंह दिखाई की। मुंह दिखाई में मेरे खालू जान ने खाला को देखा है एंड उसके बदले में उन्हें गिफ्ट देना होता है वहाँ पे, तो वो अपना गिफ्ट निकाल रहे हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग भी देखते हैं कि क्या मिला इनको गिफ्ट में। तो मेरी खाला को खालू जान ने दिया था डायमंड का रिंग जो उन्होंने पहना था, तो आगे आपको देखने को मिलेगा ये रहा प्यारा सा डायमंड का रिंग। उसके बाद नाव खालू जान खाला को पहनाएंगे। नाउ नेक्स्ट मैं तीनों चीज़ लेके गई, जूता, शरबत एंड नारा लगाई तो हमें मिल ही चुकी थी, तो जूता एंड शरबत मैं लेके गई एंड यहाँ पे मैं बोल रही थी बोलिए क्या पीजिएगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए मैंने उनको एंड दोनों में से उन्हें सेलेक्ट करना था। लेकिन पीने वाला ही है। लेकिन आप पी सकते हैं। हमारी रस्में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे चुमाया जा रहा था, दूल्हा दुल्हन को चुमाया जाता है सारी रस्में होने के बाद, वही कलरफुल चावल से चुमाया जाता है। नाउ अब वो इमोशनल टाइम आ गया था जब विदाई होने वाली थी मेरे खाला की एंड सबको यहाँ पे रो रहे थे। अफीफा जाके छोटी खाला का आंसू पोंछ रही थी कि मत रो खाला एंड बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में हम लोग भी ऐसे हो गए कि ये पल कितना ज़्यादा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए कि अपना घर छोड़ के वो कहीं और किसी और के घर में जाती हैं हमेशा के लिए। यहाँ पे दोनों मामा थे एंड इन दोनों का अपना ही कुछ अलग चल रहा था बातचीत। उसके बाद ना यहाँ पे विदाई होनी स्टार्ट हो गई थी, सब एक एक करके मिल रहे थे खाला से एंड उसके बाद विदाई हुई थी। तो चलिए आप लोगों को आगे भी दिखाती हूँ मैं।
नाउ फाइनली माशाल्लाह यहाँ पे जो शादी थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, विदाई कंप्लीट हो चुकी थी। एंड ये इसका इस पल का है ना, हम लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था एंड नाउ वो पल कंप्लीट हो चुका था। माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं एंड बहुत अच्छे से हैं। माशाल्लाह उन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। यहाँ पे विदाई हो रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था सबके लिए, सब कोई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। फ्रेंड्स से माशाल्लाह एंड आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा सबको। हो गई है दुल्हन की विदाई एंड नाउ फाइनली हमें लड़के के जगह पे आने का मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स रहते हैं एंड हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं लड़के के स्टेज पे, मैं आप लोगों को स्टेज भी दिखाती हूँ एंड सबसे और सबको भी दिखाती हूँ, सब फोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। अब हमारी विदाई होने का वक्त आ गया था, सुबह के बज रहे थे 6 एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे थे CM आर्ट्स कॉलेज को बाय बाय कह के। नाउ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लिप में है ना सबके फ़ोटोज़ डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि सब कैसे कैसे रेडी हुआ था शादी में। अभी हो गया है शाम का 6 बज रहा है। आज छोटी मामी जो है वो अपने घर जा रही हैं एंड उनके साथ ये टेस्टी टेस्टी से गुलाब जामुन जा रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना यम लग रहा है देखने में। वो जा रही हैं अभी अपने घर, वो जो दुल्हन मतलब नौरोज में जाती हैं, वो शायद 9 दिन के लिए नहीं जा रही हैं, मतलब 3 ही दिन के लिए जा रही हैं, लेकिन जा रही हैं वो। एंड हमने किया है थोड़ा सा सामान को ठीक ठाक एंड मैं अभी आप लोगों को वो सारे ड्रेसेस दिखाऊंगी जो डाला में आया है छोटी खाला की तरफ से, मतलब छोटी खाला की ससुराल की तरफ से मैं वो सारी ड्रेसेस अभी आपको दिखाऊंगी। ये हेलो गाइस, आज यूसुफ भी चला गया एंड खालू जान भी चले गए क्योंकि यूसुफ का एग्ज़ाम है तो वो चला गया है, उसका 26 का एग्ज़ाम है। वो आज निकल गया है, बच्चा सिर्फ 2 ही दिन के लिए आ पाया, 2 रात के लिए आ पाया सिर्फ वो। ये आ गई है चाय, हमको जो दी वो बेहतरीन नहीं। हम लोग पी रहे हैं चाय, ये उठने के बाद की फर्स्ट चाय है क्योंकि हम लोग उठते ही खाना खा लिए थे। पलक बाय बाय, चीज़ लेकर भी आइएगा।